हम जो है एप्पल वगैरह भी चेस्ट में रख देते हैं। और भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर गाइस, कि पीढ़ी धोप धोप वाला जो इंसान था जो शुरू में था उसको गुस्सा आ गया था क्योंकि हम जो है इसको जो है जेल में छोड़ करके आ गए थे, जैसा कि आपने देखा ही था। नहीं भाई, आखिरकार भाई इसने पूरा का पूरा घर खा लिया, इसने पूरा का पूरा गाइस घर ही खा लिया। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, पहले से भी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा हो गया भाई साहब। यार सही में गाइस ओ शिट, जैसा कि गाइस मैंने सोचा था ये हमारे घर के ऊपर ही आ चुका है, ये अब हमारे घर को ही खाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ब्रो, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे घर को ही खाएगा यार। नहीं 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 ब्रो 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 ब्रो, इसने तो हमारे साइड वाले घर को खा लिया था। प्लीज भाई मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है यार, मुझे खा के तेरा क्या ही पेट भरेगा भाई। मैं इतना छोटा सा हूँ, मुझे खा के तुझे क्या ही मिल जाएगा भाई। मैं तो मक्खी को छोड़ देता हूँ, चलो इस पर भाई वो। और नहीं शिट ब्रो यार, चलो अब हम आ चुके हैं एक अच्छी सी सिटी में। इस बार गाइस हमारे पीछे बहुत ही अच्छा खासा म्यूटेंट ज़ॉम्बी पड़ चुका है। जैसा कि मुझे पता था कोई भी हम सिटी में शांति से तो नहीं रह सकते ब्रो, हम शांति से तो नहीं रह सकते यार। नहीं 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 भाई 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 भाई, ये कौन आ गया यार? ओ भाई यहाँ पर हो क्या रहा है? ओए ये नूब को आखिर यार हुआ क्या था एकदम से? गाइस मुझे भी नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर से कर देना गाइस, आप कमेंट नहीं करते हो। और हम यहाँ पे म्यूटेंट ज़ॉम्बी भी भाई मार के चला जाता है। और इस विच ने ना गाइस, जो भी था ये जादूगर, इसने जो है इस नूब को बहुत ही अच्छा खासा पोशन दे दिया था गाइस। ये पोशन कभी मुझे क्यों नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों ये पोशन यार कभी मुझे नहीं मिलता यार, पता नहीं। देखो गाइस यहाँ पर डोले शोले इसने जो है इसको दे दिए हैं भाई, मुझे तो दे दिया कर यार कभी भी। ओ भाई यार क्या क्या है यार यहाँ पर, तो भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक से हीरो ब्राइन यहाँ पर आ चुके हैं। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का मुंह कटा हुआ है, जल्दी से मारना पड़ेगा भाई, जल्दी मारो भाई, भागो यार यहाँ से भागना पड़ेगा गाइस। हम गलती से नेदर पोर्टल में आ चुके हैं और भाई पोर्टल का जहाँ पे रास्ता था वो हमारे आगे आ चुका है, हमें भागना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर, चलो भागते हैं। ओ भाई ये कहाँ आ गए हम यार, अरे ये तो हम दोबारा से वहाँ ही आ गए हैं भाई साहब। गाइस का मतलब हमने हीरो ब्रांड की जो स्टेज थी वो कंप्लीट कर ली है मेरे ख्याल से, तो भाई साहब हमें मोमो के पास जाना पड़ेगा लगता है अब हमें इस मोमो के मुंह में जाना पड़ेगा, क्योंकि हीरो ब्रांड का मुंह तो अब खत्म हो चुका है क्योंकि हम वहाँ से एस्केप कर लिए हैं गाइस, क्योंकि हम प्रो प्लेयर हैं ठीक है। अब हमें इससे इसके मुंह से भी जाना पड़ेगा, बट मैं मोमो के मुंह में अंदर से नहीं जा सकता भाई, लेकिन जाना ही पड़ेगा यार, कुछ कर भी तो नहीं सकते, पता नहीं कौन है गाइस यहाँ पर। तो चलो चलते हैं फिर इसके मुँह में और देखते हैं कौन सी मोमो यहाँ पर मिलने वाले हैं। हीरो ब्रांड को तो हमने आसानी से हरा दिया, चल पहले तू जा भाई, मैं नहीं जा रहा, पहले तू जा, चल भाई आनी पड़ेगा क्योंकि मुझे अकेले भी यहाँ पर डर लग रहा है ठीक है, भागना ही पड़ेगा अपने यहाँ से, चल चल चल। नहीं भाई कितना डरावना गाइस, इसकी नाक में घुस गए हम, बहुत डरावना लग रहा था। अरे यार ये तो कोई नेदर पोर्टल वगैरह कुछ है नहीं, ये तो मुझे कोई रियल एकदम ओपन वर्ल्ड लग रही है, बट सामने मुझे एक अच्छा सा एक कास्टल दिख रहा है भाई, इसके अंदर जाना मुझे तो नहीं लगता कि सेफ होगा, बट इसके अंदर जाने के अलावा और कुछ है भी नहीं पता। ये तो ग्रैनी का हाउस लग रहा है मुझे एक तरह से, जैसे वो स्टोरी मोड में जाता नहीं है उसके अंदर, भाई क्राउच करके चलना पड़ेगा इसको। अगर आवाज आ गई, और भाई आई गई गाइस, ये मोमो आ गई भाई, मारो जल्दी मारो भाई साहब। चलो एक मोमो यहाँ पर मर चुकी है भाई, एक मोमो मर चुकी है, पता नहीं यहाँ पर कितनी मोमो होंगी भाई।